तेज खबर 24 में इस वक्त मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच आधा दर्जन बच्चे फंसे हुए हैं। ये सभी बच्चे नदी के बीच एक चट्टान पर हैं, जिन्हें पानी ने चारों ओर से घेर रखा है। यह पूरा नज़ारा मयार नदी का है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के बीच है। तेज खबर 24 सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के बीच आधा दर्जन बच्चे फंसे हुए हैं और वह अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर सबसे पहले तेज खबर 24 में, जहां सिंगरौली की सीमा से गुजरने वाली मयार नदी में अचानक पहाड़ से आए पानी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया और नदी में नहा रहे बच्चों की जान पर बन आई है। बताया जा रहा है कि जरहा गांव की मयार नदी में सभी बच्चे नहाने गए हुए थे, तभी अचानक पानी का जल स्तर बढ़ गया और यह सभी बच्चे नदी के बीच एक चट्टान में फंस गए हैं। बच्चों को बचाने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ पुलिस व प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है और बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर सिंगरौली जिले से आ रही है, जहां जरहा गांव की मयार नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से दर्जन भर बच्चे नदी में फंसे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू में जुटा हुआ है।